गाइस वेलकम बैक एंड एक्सप्लोर विद एमी। आई होप आपको हमारा लास्ट वीडियो पसंद आया होगा जो कि था खुलगा और कसौल के ऊपर। उसमें जो हमने जगहें कवर करी थी, आइडियली लोग उसमें कम जाते हैं एंड बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज था जैसे आपने वीडियो में देखा ही होगा। अब उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मनाली, जो कि हम पहुँच चुके हैं। हम लोगों ने मनाली में चेक इन कर लिया है एंड हमारा जो होटल है वो है ओल्ड मनाली में। होटल का नाम है मनाली डायरी एंड एकदम रिवर फ्रंट पे है और इसका जो टैरिफ है वो है 1200 रुपीज फॉर वन नाइट एंड जो रूम है बहुत ही नीट एंड क्लीन है और बहुत ही स्पेशियस है। अब शाम हो चुकी है तो हम लोग अब जाने वाले हैं मनाली मॉल रोड और मनाली मॉल रोड एक्सप्लोर करने वाले हैं। चलिए आपको कैसा लग रहा है मनाली की माल रोड में आकर? इट्स वेरी क्राउडेड, फ्राइडे इवनिंग है, ये तो होना ही था। चलिए फिर भी चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, जो पहली बार आ रहा है मनाली की मॉल रोड पर, उनके लिए मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ पर जो वुलन्स का कलेक्शन है वो बहुत ही शानदार है और बहुत वैरायटी है। स्पेशली सूट्स हो गए आपके, आपके वुलन वेयर हो गए, कार्डिगन, स्वेटर्स, वाकई में इतनी वैरायटी आपको, जितनी वैरायटी इस मॉल रोड में देखने के लिए मिलती उतनी वैरायटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको छोटे सेलर्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे जिन्हें देखकर अगर आप दिल्ली से हैं तो समझ सकते हैं वो सरोजनी वाली जो फील आती है वो आएगी। इनके रेट भी काफ़ी चीप है। इसके अलावा यहाँ के जो अगर मैं रेट की बात करूँ कंपैरेटिवली ओवरऑल मार्केट की, तो रेट्स काफ़ी सस्ते हैं। काफ़ी जगह हमें अच्छी सेल भी देखने के लिए मिली अगर आपको वुलन टॉप्स वगैरह लेने हैं, मतलब बहुत सारे लेडीज़ के लिए तो बहुत ही अच्छे ऑप्शन है शॉपिंग के लिए।
शॉपिंग करके तो हमें बहुत ही मज़ा आया। साथ में हमें मौका मिला एक इनका ये लोकल फेस्टिवल देखने का, जिसमें इनके जो कुल देवता होते हैं कार्तिक के भगवान, उनको ये लोग सवारी पर बिठाकर घर लेकर आते हैं। एंड पूरा शोर शराबा करते हुए, ढोल नगाड़े बजाते हुए लोग जा रहे हैं पूजा आरती करते हुए, तो एक बिल्कुल ही ऐसी सेलिब्रेशन हो रही है जैसे दिवाली हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो लकीली एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमें करने का मौका मिला और यहाँ की लोकल जो कल्चर है उसको जानने का मौका मिला। तो शॉपिंग के साथ साथ पेट पूजा का भी पूरा इंतज़ाम है इस मार्केट में, जैसा कि सभी मार्केट्स में होता है, चाहे वो लोकल क्यूजीन हो, स्ट्रीट फूड हो, या फिर आपको किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के अपना डिनर करना हो, तो सारे ही ऑप्शंस हैं। हमने सभी कुछ एक्सप्लोर किया एंड हमने एक द कॉर्नर हाउस करके जो रेस्टोरेंट था उसमें अपना डिनर किया एंड सभी कुछ बहुत ही अच्छा था जो भी हमने ट्राई किया।